हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकिल 6 का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था उसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ठीक है? इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग का कंफ्यूजन है कि साइकिल 6 में जो फर्स्ट लिस्ट निकला था उसका तो फर्स्ट डीवी हो गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? देखिए, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जाके ही आपको ट्रेनिंग लेटर या और भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी देखिए क्या है, इस महीने में ये जो सितंबर का महीना था इसमें पूरा तरह से डाक कर्मयोगी का जो काम होता है, डाक कर्मयोगी का एग्जाम ये सब कंडक्ट करवाया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रामीण लेवल का जो ऑफिस होता है यानी कि GDS ऑफिस, यानी जिसको बोल सकते ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो वहां पे जितना भी डिवाइस था उसको रोल आउट करना था, ठीक है? क्योंकि कि IT मॉडर्नाइजेशन फर्स्ट में डिवाइस दिया गया था सारे GDS को, ठीक है? GDS BPM को डिवाइस दिया गया था, ABPM को मोबाइल दिया गया था, ठीक है? लेटर डिलीवरी करने के लिए मोबाइल दिया गया था और नॉर्मल ट्रांजैक्शन RD, SB, TD, SSA ये सब काम करने के लिए RACT डिवाइस दिया गया था, रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस दिया गया था, ठीक है, RACT। अभी क्या हुआ कि उसका टेंडर खत्म हो गया RACT का, तो सेकेंड IT मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, सारा चीज इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है, डाक कर्मयोगी पोर्टल के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ कि अभी लास्ट टाइम है कि सितंबर के लास्ट तक जारी किया गया था नोटिफिकेशन, सर्कुलर जारी किया गया था कि लास्ट सितंबर तक सारा जो डिवाइस है रोल आउट हो जाएगा, पुराना डिवाइस में कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए नया डिवाइस में काम होगा 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर यानी कल और परसों तो छुट्टी है, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर छुट्टी है, ठीक है, जो ऑफिशियली छुट्टी, 1 अक्टूबर को तो संडे है, 2 अक्टूबर को ऑफिशियली छुट्टी है। तो 1 अक्टूबर को संडे है और 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, तो उसके लिए तो ऑफिशियली छुट्टी होता है, गैजेटेड छुट्टी होता है, हॉलीडे होता है, तो उस दिन कोई भी काम होगा भी नहीं और संडे को कोई काम नहीं होगा। बाद बाकी बचा 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो मेरा उम्मीद ये लगता है कि कुछ सोर्स से पता चला कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में कभी भी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा, ठीक है? जब मैसेज आएगा तब जाके आपको आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो उससे पहले आपको चिंता नहीं करना है कि सेकंड डीवी कब होगा, ठीक है? सेकंड डीवी जब होगा तब सबको होगा, ठीक है? जितना भी सर्किल है इंडिया में सबको एक ही साथ मैसेज जाता है सेकंड डीवी के लिए और फर्स्ट डीवी के लिए भी, ठीक है? किसी का कभी कभी कोई सर्कल में चेंजेज होता है डेट में, ज्यादा चेंजेज नहीं होता है, ज्यादा दिन का, नॉर्मली 1-2 दिन का चेंजेज होता है, लेकिन देखा जाता है कि सबका जो CEPT में जितना भी टेक्निकल काम होता है इंडिया पोस्ट में, सारा काम कौन करते हैं? CEPT मैसूर, ठीक है? तो वहीं से सारा चीज होता है। तो जितना भी सर्कल है ऑल ओवर इंडिया में CEPT करेगा, तो CEPT क्या करते हैं, सारा मैसेज भेजते हैं फर्स्ट डीवी का, सेकंड डीवी का, वहीं से सारा चीज होता है कि किसको सेलेक्ट करना है, किसी को किसको नहीं सेलेक्ट करना है, तब जाके वो डिविजनल हेड को नोटिस देते हैं कि हाँ इनको सेलेक्ट करना है, इनको नहीं करना है, इनको सेलेक्ट करना है, इनको नहीं करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, तो वो CEPT डिसाइड करते हैं, वहीं से सारा चीज खेल होता है, सैलरी वगैरह ये सब कुछ का, ठीक है? क्योंकि सब कुछ आपका टेक्निकली हो रहा है, ठीक है, मैनुअली कुछ होता नहीं आजकल, मैनुअली होता तो इतना चीज होता नहीं, फर्स्ट डिवी सेकंड डिवी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, अभी सब कुछ टेक्निकली हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू होता है, वहां पे जो नोटिस देगा वही डिविजनल हेड या सब डिविजनल हेड को करना पड़ता है। फर्स्ट डीवी हो गया, सेकंड डीवी होने वाला है, तो कभी भी हो सकता है, ये 2 दिन तो हमको लगता नहीं कि होगा, क्योंकि देखिए कल ही डिक्लेयर हो गया था सेकंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि साइकिल 5 में जब भी देखे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जब जारी हुआ तो उसी टाइम साइकिल 5 में जब भी देखे हैं जब सेकंड मेरिट लिस्ट निकला तब जाके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैसेज आया था। तो अभी क्या है, 29 तारीख को ही निकल गया था क्या सेकंड मेरिट लिस्ट साइकिल 6 का। तो अभी ये जो RACT रोल आउट है, जो भी RACT का जो काम होगा आप जो टैब या मोबाइल में किया जाएगा, जिसके वजह से ये सब चीज डिले हो रहा है, ठीक है? और क्योंकि सारा काम तो CEPT का है, CEPT जितना भी टेक्निकल काम होता है CEPT करते हैं, तो ये जो रोल आउट है सारा काम CEPT का ही है, जो हम लोग को ट्रेनिंग दिलवाया गया डाक कर्मियों का CEPT कंडक्ट करवा रहे थे, ठीक है? लेकिन अलग अलग जो स्टडी सेंटर था वो लोग अपना डिजाइन किया था क्वेश्चन, बट मटेरियल डिजाइन किया था, तो देखरेख कर रहा था CEPT कर रहा था, यानी कि
यानी कि आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 का जो काम है सीपीटी कर रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी सीपीटी जारी करते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट भी सीपीटी जारी करते हैं और सेकंड डीवी का भी मैसेज सीपीटी जारी करते हैं। सारा काम सीपीटी का ही होता है, बीच में रोल आ जाता है इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, तो जो भी काम होगा आपका टेक्निकली होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको वेट करना चाहिए और जल्द ही आपको आने वाला है मैसेज। आप जब मैसेज आएगा तो आप उसके लिए पहले से ही रेडी रहिए। आप कुछ कैंडिडेट्स पहले से ही देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म भर के रख लेता है, तो वो अटेस्टेशन फॉर्म नहीं चलेगा। जो डिविजनल ऑफिस में अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा ओरिजिनल वाला, उसी में जा करके साइन करवाना है, चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट पे, चाहे और भी कोई सर्टिफिकेट पे। ठीक है, चाहे गजेटेड ऑफिसर से, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सारा चीज अटेस्टेशन फॉर्म पे होगा, वो डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल में चलेगा। तो आपको ये रेडी रखना है, उसके बाद और भी कुछ रेडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस रिलैक्स रहना है, वेट करते रहना है। और जिस पोस्ट पे आपका लगता है सिलेक्शन हो गया है, बीपीएम का सिलेक्शन हुआ है, तो बीपीएम के बारे में जानना है। ठीक, ताकि बीपीएम का काम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपके जेब से 10,000-20,000 लॉस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और बीपीएम का जो काम है आपको वीडियो देखना, एबीपीएम का जो काम है आपको कैसे हैंडल करना है, एबीपीएम का काम कैसे करना, लेटर डिलीवरी कैसे करना है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेना जरूरी है। आपको एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, लोगों के साथ कैसे डीलिंग करना है, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, कोऑपरेट करना एक दूसरे का, बीपीएम एबीपीएम चाहे पब्लिक से ही हेल्प लेना है, इस तरह से काम करना है। ठीक है, कोई भी लेटर को मिसयूज नहीं करना, किसी दूसरी नहीं करना, जिसका जो लेटर है उसी को देना है। तो इस तरह से अभी आपको सीखने का टाइम है, सीखिए। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गया तो सेकंड डीवी भी होगा और उसके बाद आपका सारा प्रोसेस होता रहेगा। फिर उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग लेटर जारी करेगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा, फिर ज्वाइन करेंगे। तो ये सब चीज प्रोसेस है, अभी से आपको वेट करना चाहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो सेकंड डीवी भी आएगा, उसका मैसेज आएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। बाय बाय, जय हिंद।